सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया था, ये एम्बुलेंस मैंगलोर से बेंगलोर की ओर जा रहे हैं, जिसमें 40 डे का एक बेबी है जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर के पास इतने टाइम नहीं थे। नॉर्मल यहाँ पे 400 किलोमीटर की दूरी हम तय करते हैं तो 7 से 8 घंटा लग जाता है, लेकिन यहाँ पे इस एम्बुलेंस से 3 से 4 घंटे में मैंगलोर से बेंगलोर जयदेवा हॉस्पिटल में पहुंचाना था। इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने बोला हमें यहाँ पे 0 ट्रैफिक चाहिए। तो आम पब्लिक और कर्नाटक के पुलिस ने यहाँ पे 0 ट्रैफिक किया और फाइनली ये एम्बुलेंस 4 घंटे 20 मिनट में बेंगलोर जयदेवा हॉस्पिटल में पहुंच गया। और ये वीडियो टिकटॉक पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जब जब हम कमेंट सेक्शन में गए तो यहाँ पे हमने कमेंट देखने को मिला, यदि अब इतना ही अर्जेंट था फ्लाइट या प्लेन से इसे भेज सकते थे, हम आम पब्लिक को परेशान करने से कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इसे फ्लाइट या फिर प्लेन से क्यों नहीं भेजा गया, एम्बुलेंस से क्यों भेजा गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप टिकटॉक यूजर हैं तो टिकटॉक यूजर बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं लाइक और व्यूज के लिए काफी ज्यादा गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहा है, यूट्यूब या सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म से ओल्ड वीडियो एम्बुलेंस वाले डाउनलोड करने के बाद उसे टिकटॉक पे अपलोड कर दे रहे हैं और टेक्स्ट में बेंगलोर टू बेंगलोर 4 hours 3 hours इस तरह से टेक्स्ट लिख दे रहे हैं और टिकटॉक पे अपलोड कर दे रहे हैं सिर्फ लाइक एंड व्यूज के लिए। भाई ये सब जितने भी व्यक्ति आप कर रहे हो ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि यदि आप करते हैं तो इससे आपका ही नुकसान है। ये ट्रेंड जो है 4 से 5 दिन तक टिकटॉक पे चलेगा, इसके बाद जब ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो आपका टिकटॉक अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। फिर टिकटॉक अकाउंट को आपको अनफ्रीज करने में काफी सारी परेशानी झेलना पड़ेगा। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे है, मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखा दूंगा जो टिकटॉक पे अपलोड हो रखा है, इसे एम्बुलेंस का है ही नहीं, ऐसे है देख सकते हैं वीडियो, जैसे कि बता रहे हैं इस बेंगलोर से बेंगलोर की ओर जो एम्बुलेंस गया उस एम्बुलेंस को एक्सीडेंट हो गया। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जो भी इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा है एक गलत वीडियो अपलोड कर रहा है, और ये वीडियो 2019 का ही है। तो इस तरह से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और वो छोटी सी बच्ची है जो 30 दिन 25 दिन का है, वो भी टिकटॉक को अपलोड कर रहे हैं और बता रहे हैं यही बच्चे हैं सिर्फ लाइक एंड व्यूज के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं, जब इतना ही अर्जेंट था इस 40 डे बेबी को फ्लाइट में क्यों नहीं मैंगलोर से बेंगलोर भेजा गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि फ्लाइट से जाता है तो फ्लाइट का जो हवा का जो प्रेशर जो होता है घटता बढ़ता रहता है, बाकी कारण बेबी को काफी परेशानी आ सकता था, क्योंकि और कभी भी ट्रांसमिट करना होता है तो हवा का प्रेशर सिंपल होना चाहिए, घटना और बढ़ना नहीं चाहिए। यही कारण था फ्लाइट से ना भेजकर उसे एम्बुलेंस से भेजा गया, क्योंकि एम्बुलेंस में हवा का प्रेशर जो होता है सीमित होता है, उसमें घटता बढ़ता नहीं होता है। इसलिए इसे बेंगलोर से बेंगलोर एम्बुलेंस से भेजा गया और 7 घंटे को सफर को 4 घंटे में तय किया गया और फाइनली हार्ट को ट्रांसमिट किया गया। दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देख